स्केलेटल, स्केलेटल और स्केलेटल मसल्स की अगर देखोगे ना, तो यहां पर आपको लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो इसको आप स्ट्राइटेड मसल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है, और ट्रांसवर्स बैंड देखने को मिल रहे हैं, स्ट्राइप्ड भी बोल सकते हो, स्ट्राइप्ड बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करता हूं कार्डिक मसल्स की, इनको कार्डिक मसल्स बोलते हैं, कार्डियक, कार्डियक मसल्स की बात करता हूं, तो ध्यान रखना है, ये भी स्ट्राइटेड है, स्ट्राइटेड है, स्ट्राइटेड मतलब समझते हो, जिनमें आपको लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, जिनमें आपको लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, और लाइट एंड डार्क बैंड भी ट्रांसवर्स बैंड है, तो ट्रांसवर्स बैंड की वजह से इनको स्ट्राइप्ड भी बोल सकते हो, स्ट्राइप्ड भी बोल सकते हो, क्लियर है बिल्कुल। तो स्केलेटल मसल्स हो गए स्ट्राइटेड, स्ट्राइप्ड, कार्डिक मसल्स हो गए स्ट्राइटेड, स्ट्राइप्ड, क्लियर है बिल्कुल। और सेंटर में देखने को मिल रहे हैं आपको स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये अनस्ट्राइप्ड होते हैं, अन, अनस्ट्राइटेड, क्योंकि यहां पर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को नहीं मिलते। तो हमारी बॉडी में थ्री टाइप के मसल्स हैं बेटा, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स, समझ पा रहे हो मेरी बात? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स, ठीक है। अगर मैं स्केलेटल और कार्डिक मसल्स की बात करता हूं, तो यहां पर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर, ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर इनका जो अरेंजमेंट है प्रोटीन का, वो ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है, इसलिए स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड या स्ट्राइड बोलते हैं, इनको भी स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड बोलते हैं, ये अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्राइप्ड मसल्स हैं, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब ध्यान से देखोगे इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दूसरी बात, ठीक है, तीसरी बार अनब्रांच है, अनब्रांच, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री आपके कंट्रोल में होते हैं, वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, अभी तो इनको स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो? जबकि स्मूथ की अगर बात की जाए, स्मूथ मसल्स की अगर बात की जाए, तो स्पिंडल शेप होते हैं, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनि, अन ब्रांच है, ये भी अन, अनब्रांच्ड है, यहां ब्रांचिंग पैटर्न देखने को नहीं मिल रहे आपको, ठीक है। अब सर टेपर एंड्स होते हैं, इनके एंड एंड दबे हुए, टेपर एंड होते हैं, देखो दिख रहा है, टेपर एंड, टेपर एंड, टेपर एंड, ठीक है, स्मूथ मसल्स फाइबर, अनब्रांच्ड होते हैं, हाँ, वॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते, लाइट एंड डार्क बैंड यहां नहीं होते, तभी तो अनस्ट्राइप्ड मसल्स हैं। जबकि यहां देखो, यहां खास बात क्या देखने को मिल रही है, ठीक है, ये भी सिलिंड्रिकल हैं, सिलिंड्रिकल ही हैं, पर यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये यूनि,
आपको लग रहा होगा मल्टी न्यूक्लियेटेड है, बट एक्चुअल में ये यहाँ से ये मसल्स है, एक सिंगल मसल्स ये है यूनी न्यूक्लियेटेड, ये समझ रहे हो ना, ये एक सिंगल मसल्स है यूनी न्यूक्लियेटेड, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं यूनी न्यूक्लियेटेड, ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन ब्रांच हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं, वॉलेंट्री के अंदर सिर्फ एक ही आएंगे ये वाले, तो ये भी इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री है, ठीक है। लाइट एंड डार्क बैंड की अगर बात की जाए तो यहां लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, तभी तो इनको स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड बोलते हैं, क्लियर बिल्कुल। तो यहां तक की बात समझ में आई बेटा, इन सारे मसल्स के अंदर कौन कैसी है। अब यहां एक खास बात क्या है, यहां पर आपको ऑब्लिक ब्रिज देखने को मिल रहे हैं, जो दो मसल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, इनको ऑब्लिक ब्रिज बोलते हैं। और कहीं पर भी ऑब्लिक ब्रिज देखने को नहीं मिलते, यहां पर ऑब्लिक ब्रिज देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पर आपको जंक्शन देखने को मिलते हैं, जंक्शन जंक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर गैप जंक्शन, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो, गैप जंक्शन यहां देखने को मिल रहे हैं, और इनके बीच में होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर मैं दिखाऊं डायग्रामेटिकली पूरा प्रॉपर उसको डायग्राम से दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों को इसके केस में, अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो समझने की कोशिश करना, समझाता ही। एक कार्डिक मसल्स, दूसरी कार्डिक मसल्स, और दोनों कार्डिक मसल्स, समझना मेरी बात, दोनों कार्डिक मसल्स के बीच में ये लगे हुए हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, और इंटरकैलेटेड डिस्क जो लगी हुई है ना, यहां लगे हुए होते हैं बीच में गैप जंक्शन। से इसका अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना न्यूक्लियस है, यहां से आयंस का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये जो दिख रहे हैं ना, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी एक ऐसी डिस्क जो गैप जंक्शन को धारण करती है, इंटरकैलेटेड डिस्क, और इस पर क्या लगे हुए हैं गैप जंक्शन। इससे क्लियर होगा, कार्डिक मसल्स जो होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर ही ऑब्लिक ब्रिज देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर ही आपको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिल रही है, और इंटरकैलेटेड डिस्क एक प्रोटीन होती है जिसमें लगे होते हैं बीच में दूसरे प्रोटीन, जिनको बोलते हैं गैप जंक्शन, जो दो सेल के बीच में आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए, स्पेशली सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये खास बात सिर्फ कार्डिक मसल्स में देखने को मिलती है, और किसी मसल्स में ये खास बात देखने को नहीं मिलती, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नर्वस